राम राम भाई, सारा भाई है, मैं आपका भाई कुणाल यादव लेकर आ चुके भाई एक और ब्रांड न्यू वीडियो। किसके ऊपर आज अपने साथ खड़ी है भाई? फिडूस की इलेक्ट्रिक स्कूटी। आज की वीडियो भाई उन बंदों के लिए रहने वाली है जो कम बजट में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ढूंढ रहे हैं, या कोई मतलब बुजुर्ग है जिनको अपने ऑफिस जाना है, डेली यूसेज में रनिंग कम है, इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए, तो उनके लिए वीडियो आज की होने वाली है भाई। ये देखो भाई, ब्रांड नेम मैंने आपको बताया, फिडूस की इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो स्टार्ट करते इसके फ्रंट से, उसके बाद इसकी भाई रेंज पे जाएंगे, क्या रेंज है, कितने बजट में ये आती है, चलने में कैसी है, किसके लिए बेस्ट रहेगी। हाइट का भी यहाँ पे आज मैटर करेगा कि कितनी हाइट के बंदों को ही ये स्कूटी लेनी चाहिए। सबसे पहले भाई फ्रंट लुक पे आ जाओ, बिल्कुल यूनिक लुक है, ये नहीं लगेगा कि आपको भाई किसी की कॉपी कर रखी है या कुछ कुछ भी नहीं। इंडिकेटर देखो भाई, कितनी यूनिक जगह इसकी प्लेसिंग दी गई है, हैंडल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे LED इंडिकेटर यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। नीचे आ जाओगे तो भाई यहाँ पे ये हेडलैम्प जो है LED में यूज कर रखे हैं। यहाँ पे कंपनी की बैजिंग है भाई, मैट ब्लैक कलर ये आने वाला है, और कलर ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं भाई टायर सेक्शन की, तो मेन बात है भाई कम बजट में स्कूटी आ रही है, उसके बावजूद टायर आप यहाँ पे देखोगे डिस्क ब्रेक इसमें कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं आगे की तरफ। और साइज अगर मैं आपको इसका बताऊं, 90 110 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिलता है भाई, नॉर्मल स्टील रिम नहीं दे रखा कंपनी ने, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब आते हैं भाई इसकी एक बार साइड प्रोफाइल पे, तो साइड से आप एक बार इसको चेक करो, बिल्कुल मतलब कोई खास वो नहीं, बिल्कुल प्लेन स्कूटी रखी गई है भाई, लुक वाइज काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे फिडूस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग है, कोई भी स्कूटी का स्पेसिफिक नेम नहीं है, ब्रांड के नेम से ही ये बिक्री है फिडूस से। अब आ जाते हैं भाई इसकी बैक प्रोफाइल पे, तो बैक प्रोफाइल पे आते हैं। एक तो भाई जैसे आप मान लो दो जने इस पे ट्रैवल करोगे, तो पीछे वाले के लिए बैक सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है फोम कुशनिंग के साथ, और जो ग्रैब हैंडल्स है वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के भाई यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। पीछे की लाइट की बात करते हैं, तो एक बार हम एंगल चेंज कर लेते हैं, तो ये देखो भाई पीछे की लाइट यहाँ पे फुली LED दे रखी है, इंडिकेटर LED है, साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, और जो टायर सेक्शन है इसमें ये देख लो भाई मोटर हब मोटर दे रखी है, पिकअप कैसा है, चलने में कैसी है, पावर कैसी है, वो सारी चीज़ें भी अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले साइज की बात करते हैं, तो वही 10 इंचज आपको पीछे वाला टायर भी देखने को मिल जाते हैं। अब जाते हैं भाई इसके मीटर की तरफ, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताते हैं। ऐसी देखने को मिलती है भाई इसकी की, जो कि दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन है, कोई भी इस पर ब्रांड मार्किंग नहीं है। ये देखो इस पर अगर मार्किंग आ जाती तो काफ़ी अच्छी हो जाती है, पता नहीं अब ऐसे लगता है किसकी चाबी उठा ली हो भाई, पता ही नहीं चलता। बाकी जो इसकी क्वालिटी है, ये देखो कटिंग है, कंप्यूटर वाली कटिंग दे रखी है भाई, नॉर्मल चाबी जो आती है उनसे अलग है, तो ये इसमें एक अच्छा पॉइंट है। अभी हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे, ये देखो भाई मीटर पर फोकस करना आप, टोटल किलोमीटर अभी जो हमने ये रन करी है 444 किलोमीटर रन हो चुकी है, और ये भाई यहाँ पे बैटरी शो करती है। अभी इसमें 3 डंडे बाकी है, एक डंडा इसका कम हो चुका है। अब दिखाते हैं इसके फंक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेटर है भाई, S जो बटन है अपने मोड के लिए, स्पीड के लिए, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे, ये देखो 3 पे मैक्सिमम स्पीड रहती है, 1 पे सबसे लो, 2 पे नॉर्मल, और 3 पे मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पे भाई अपना लाइट का ऑप्शन है, ये देखो, ठीक है भाई। नीचे आ जाते हैं भाई, इसमें रिवर्स का ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने, R बटन, P बटन अपना पार्किंग का, ये देखो पार्किंग पे है। उसके बाद आते हैं इस साइड, तो ये अपने लाइट्स के इंडिकेटर के कंट्रोल है, यहाँ पे अपना इंडिकेटर दिखा भी रहा है ये देख लो, तो ये आवाज़ भी करती है इंडिकेटर के साथ, ठीक है भाई। और ये अपना हो गया हॉर्न, तो अब इसकी मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले बूट स्पेस, क्योंकि जो भी बंदा लेता है भाई स्कूटी में जो बूट स्पेस है वो जरूरी होता है अपना सामान वगैरह कैरी करने के लिए, हेलमेट रखने के लिए, तो वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से हम स्कूटी के बूट में एक्सेस कर लेंगे भाई, ये देखो, तो जो बूट है इसका देखो भाई काफ़ी ज़्यादा डीप है ये। अब अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ एक, ये देखो मेरा हाथ कितना जा रहा है ऐसे, देखो ये देखो भाई कितनी ज़्यादा डीप है। इसमें एक बड़ा हेलमेट तो शायद आ भी जाए ना भी आए, आ जाएगा वैसे तो, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बीच में फोकस करोगे, तो यहाँ पे एक MCB दी गई है, जिसको आप अपना कहीं जा रहे हो छोड़ के काफ़ी टाइम तक, तो इसको ऑफ करके जा सकते हो। अब बात आती है भाई इसकी चलने की, कैसी चलती है, क्या परफॉर्मेंस है, पावर कितनी है, वो सारी चीज़ें।
तो जैसे भाई मैं हूँ यंग एज के बंदे हैं उनके लिए बिल्कुल भी मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा कि आप ये लो। ये भाई उनके लिए जैसे हाउस वाइफ हो गई, बुजुर्ग लोग हो गए जिनको अपने ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, मार्केट जाना है, तो कम स्पीड पे उनकी भाई देखो तेज तो वो चलेंगे नहीं, तो कम स्पीड में 25-30 की स्पीड जैसे चलेगी ये तीसरे मोड पे, तो वो चीज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर वगैरह काफ़ी अच्छी है, दबेगी नहीं। अगर जैसे मैं हूँ, मेरा भाई 100 kg वेट है, तो काफ़ी ईजिली मेरा वेट ये हैंडल कर लेती है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद आती है भाई ब्रेकिंग की बात, तो ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं है। इतनी स्पीड पे भाई ब्रेक वैसे भी मैटर नहीं करते, और उसके लिए इसमें जो है डिस्क ब्रेक भी प्रोवाइड कर रखी है फ्रंट में। तो अभी एक बार मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, अब इसको चलाने का मेरा कारण क्या है आपको दिखाने का वो बताता हूँ मैं। अब मैं इसको चला तो रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी हाइट है 6 feet की, तो उसमें प्रॉब्लम बताऊँ भाई क्या आती है। प्रॉब्लम आती है मेरे पैर, देखो जो मेरी थाई है, अंडर थाई का जो सपोर्ट है बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा पैर यहाँ पे रखा जाता तो मैं कंफर्टेबल होता। अब ये देखो इतनी ऊपर आ रहा है, हैंडल मोड़ूंगा तो ये देखो यहाँ पे टच करेगा। अब ऐसे ऐसे करना पड़ेगा भाई टांग बाहर निकाल के। तो बस एक ये इसको इसका नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपकी हाइट कम है, 5'5" है, 5'6" है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी हाइट ज़्यादा होगी तो मेरे को ये इशू इसमें लगा। बाकी अभी इसकी पावर दिखाता हूँ। ये देखो थर्ड मोड पे है स्पीड, अभी ये देखो 20-25 ऐसी इसकी कुछ ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है भाई। तो पूरा रिव्यू मैंने बता दिया। अब जो बात रह गई है वो रह गई है इसकी प्राइसिंग की, रेंज की। मेन चीज यही है भाई, ये स्कूटी आपको अपने गुड़गांव में, हरियाणा में मात्र और मात्र 60,000 rupees में मिल जाएगी। बिल्कुल भाई 60,000 में आज के टाइम में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये स्कूटी आपको 60,000 के अंदर अंदर मिल जाएगी। और रेंज की बात करते हैं, कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है भाई 50 kilometers की, तो 50 kilometers ये चली जाएगी। लेड एसिड इसकी बैटरी है। चार्जिंग टाइम क्या है, चार्जिंग टाइम ये भाई लगभग फुल होने में 7 hours ले लेती है, क्योंकि बैटरी भाई लेड एसिड वाली है, तो उसमें लगता है टाइम। मेंटेनेंस लो है, कभी आपको आगे जाके बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, तो ये बैटरी की भाई कॉस्ट जो है कम आती है। होपफुली भाई आपको रिव्यू पसंद आया होगा। यही थी आज की अपनी वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।